बिजनौर व आसपास के जनपद वासियों के लिए खुशखबरी, आपके जनपद में आ गए हैं डॉक्टर एच के, जो करते हैं हड्डी व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज। रविवार को नहीं लगता परामर्श शुल्क। मिलने का पता स्टेशन चौराहा चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाबाद रोड, कीरतपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DPP न्यूज। बिजनौर में ओवरलोडेड वाहनों के प्रति बढ़ती लापरवाही, जनता में बढ़ता डर। दरअसल रेलवे फाटक से गुजरते समय ओवरलोडेड ट्रक से गन्ना रेलवे फाटक पर गिर गया। उस समय दोनों ओर से मालगाड़ियां भी आ रही थी। ट्रैक पर गन्ना गिरने से गेटमैन के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में गेटमैन ने रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दोनों ओर से आ रही रेलगाड़ियों को आउटर पर ही रोक दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि एक मालगाड़ी करीब 20 मिनट, एक मालगाड़ी करीब 3 मिनट आउटर पर ही खड़ी रही। इस दौरान RPF ने किसी तरह से ट्रैक पर गन्ने के लगे ढेर को हटवाकर ट्रैक चालू कराया। RPF चौकी प्रभारी के अनुसार ट्रक चालक धामपुर थाने के गांव अथाई से एक निवासी रफीक अहमद है। वहीं रफीक अहमद ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह पैजनिया से गन्ना सेंटर से ट्रक में गन्ना भरकर धामपुर चीनी मिल लेकर जा रहा था, और जब वह बुधवार को करीब 1 बजे के दौरान शुगर मिल फाटक से गुजर रहा था, तब ट्रक का डाला टूटकर गन्ना अचानक से ट्रैक पर गिर गया। हम पूछते हैं, आखिर यह लापरवाही कब तक चलती रहेगी? यह लोग चंद पैसों के लालच में जनता के अनमोल जीवन से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्यों लाचार है कानून के रखवाले? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं तीसरी बार ले जा रही हूँ, 2 बार खा के मुझे बहुत सुकून मिला। सही। अच्छा, जैसे पहले आप दवाई खा रहे थे, जब तक दवाई खाते तो आराम लगता था? हाँ, इतना नहीं लगा था। अच्छा, थोड़ा लगा था। इस टाइम सही। मेरा नाम नीलम मल्होत्रा है और मैं यहाँ देवबंद में रहती हूँ। और पिछले 2-3 साल से मैं अपनी घुटनों की और मेरे पैर में दर्द होता था, उसकी समस्या से बहुत परेशान थी। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर एच के राजपूत जी का एड्रेस बताया। ये स्पाइन क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से है, तो मैं वहां पे आई और उनकी मेडिसिन से मुझे काफी मुझे 90% आराम आया है और अभी मेरा इलाज चल रहा है। जो लोग अपने बिल्कुल बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार यहाँ आके जरूर दिखाएं।